अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। जनाब, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने लगे हैं, वो है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स भी कनेक्टेड हैं। साथ में इस टॉपिक में आप CVP एनालिसिस में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और ओवरहेड्स में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और जो जनरल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कॉस्टिंग के, उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर इंक्लूडेड होगी। इस चैप्टर को करने के बाद आपको दो तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने को देखे जाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि दो तरह के अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कौन से होते हैं। देखिए, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये एक आसान टॉपिक है, इतना खास मुश्किल टॉपिक नहीं है। बस आपने बेसिक्स पर अपने कंट्रोल रखना है और आपने बहुत समझदारी से काम लेना है। अच्छा जी, अब जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक का नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस टॉपिक के नाम का बात नाम अगर लिखूं मैं, तो वो है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जनाब, हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हम दो तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं, और दोनों तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। दोनों तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। दोनों तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अलग अलग जगह काम आते हैं, और ये दो तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो हैं, जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाते हैं, इन दो अकाउंट्स को हम कहते हैं, या तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। दोनों के अलग अलग फायदे अलग अलग नुकसान हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरह से, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बुनियाद पर या बेसिस पर बनाया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो IFRS या IAS हमें रिकमेंड करते हैं कि जनाब, आपने इतना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाना है। इसमें क्या होगा ये हम देखते हैं। फिर हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मुझे डिसीशन मेकिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सच है CVP एनालिसिस में हेल्प करता है, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने में हेल्प करता है, कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने में हेल्प करता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं और मोटी मोटी सी एक एग्जाम्पल लें, तो इसमें होता यह है कि आप सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखते हो, और सेल्स रेवेन्यू में से कंपनी के जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट होती है उसको माइनस करते हो, आप आ जाते हो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट पर, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप सारे कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ऐसा कर कर कंपनी के नेट प्रॉफिट पर आ जाते हो। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं सीख चुके हो। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर कर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर कर नेट प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो है वो अगर कंपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं तो गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट हो सकती है, या अगर कंपनी ट्रेडिंग करती है तो गुड्स को परचेज करने की कॉस्ट हो सकती है, यानी कि ये वो वाली कॉस्ट होती है जो चीज़ें मैंने बेची हैं वो मुझे कितने की पड़ी थी, अगर मैंने बनाई तो कितने की पड़ी थी, और अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो खरीदो फरोख्त तो उसकी कितने में मैं खरीदता कितने में था। जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड लाइटिंग, यानी कि सारे ओवरहेड्स आ जाते हैं, सारे एडमिन वगैरह के खर्चे आ जाते हैं, वो खर्चे आ जाते हैं जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने के लिए नहीं लगे। अच्छा, अगर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल होगा और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ रहा होगा। यहाँ पर वो वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी जो सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स की है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के खर्चे आते हैं। इसी तरह से जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से हम कंपनी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हम कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पर आ जाते हैं, उसमें से हम कंपनी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, और फिक्स कॉस्ट माइनस कर कर हम कंपनी के प्रॉफिट पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने CVP के चैप्टर में पढ़ा था। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसीशन मेकिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने के लिए, CS रेशियो ढूंढने के लिए जो है वो यूज होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है सर? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम पहले सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, और उसके बाद सारी की सारी जितनी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट होती है वो मेंशन करते हैं, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, चाहे वो सेलिंग की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, एडमिन की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, गुड्स बनाने की है,
जब वो माइनस हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बचेगा, उसमें से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी, चाहे वो सेलिंग की है, एडमिन की है, फैक्ट्री की है, हेड ऑफिस की है, कहीं कहीं भी है। इसी तरह से जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि पहले सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन की कॉस्ट या गुड्स को बनाने की कॉस्ट या गुड्स को खरीदने की कॉस्ट यहाँ पर लगाई जाती है, और जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, एडमिन की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, कमीशन की, सेल्स कमीशन की या सेल्स से पटिंग करने वाली या ऑफिस की, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती है। ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो यूज होते हैं, और दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो अलग अलग फायदा है। और अब हम इनके फॉर्मेट्स देख लेते हैं। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आप वीडियो पॉज कर ये फॉर्मेट अपने बुक्स में कॉपी भी कर सकते हैं, रजिस्टर्स में। हम अपनी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं, दो हिस्से जो हम करते हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले आप सेल्स रेवेन्यू लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग डालकर ओपनिंग स्टॉक आएगा, प्रोडक्शन आएगी, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली आपकी जो वैल्यू होगी ना, वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ठीक है जी, प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट होगी। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करूंगा तो उससे इस बात को समझाऊंगा भी। फिर अगर कोई सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट का सम जो है वो सेल्स रेवेन्यू में से माइनस होगा, तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिक्स कॉस्ट में सेलिंग और प्रोडक्शन सारी फिक्स कॉस्ट होंगी जो माइनस हो रही होंगी। जब सारी फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए, ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और जैसे ही हम मार्जिनल कॉस्टिंग का अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये नोट जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये फॉर्मेट अपने पास जरूर कॉपी कर लेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है और बेसिक बाइफिकेशन क्या होती है कि एक जगह पर सारी फिक्स कॉस्ट, दूसरी जगह पर सारी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप पहला पोर्शन देखते हो तो यहाँ तक सारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी, और दूसरा जो पोर्शन कंट्रीब्यूशन के बाद देखते हो तो यहाँ पर सारी की सारी फिक्स कॉस्ट पाई जाएंगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर आ जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, ये भी काइंडली आप लोग अपने पास अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लें। सबसे पहले सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिर सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आएंगी। सेल्स में से पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी माइनस होगा वो सारी की सारी जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होगी। यहाँ पर एक और बात याद रहे कि ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने अंडर, ओवर, अप्लाइड पढ़ा था। हमने ओवरहेड्स के चैप्टर में अंडर, ओवर, अप्लाइड पढ़ा था। अंडर, ओवर, अप्लाइड मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आता, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अंडर, ओवर, अप्लाइड की एडजस्टमेंट होती है। कैसे होती है, अभी आप फॉर्मेट कॉपी करें और फिर हम इसको सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में ओवर अंडर अप्लाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता उसकी भी रीजन है वो देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट तक आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारी की सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग की या सेलिंग, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जितने भी होते हैं वो माइनस हो रहे होते हैं। काइंडली इस फॉर्मेट को भी अपने पास कॉपी कर लें। इसके बाद एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तो आप लोग अपने पास कॉपी कर लें, लेकिन जब मैं नीचे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करता हूँ तो मैं उसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप उसको लिंक करते जाएंगे। तो आपने तीन चीजें कॉपी करनी है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे भरने से पहले। नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट, और नंबर 3 ये जो टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। तो ये मैं अभी जब एग्जाम्पल कर रहा हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन आप अपने पास कॉपी जरूर कर लें और ये सारी चीजें अपने पास लिख जरूर लें जनाब। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर आते हैं। ये आपकी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है 45, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 10 है, डायरेक्ट वेजेस जो है वो 4 है, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ना वो 2.5 रुपए है। प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट पर एनम साल की दी हुई है 4 लाख रुपए, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल 3,20,000 यूनिट्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है उसमें जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी वैल्यूज है, एडमिन की कॉस्ट है, पैटर्न ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है January to March का और April to June का, और लिखा हुआ है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी। हमें करना क्या है, हमें जो है ना वो करना ये है, आप अपने पास रिक्वायरमेंट अपने पास जो लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जनाब ये है कि आपने जो है ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से जनवरी से लेकर मार्च और अप्रैल से लेकर जून, जनवरी से लेकर मार्च और अप्रैल से लेकर जून तक का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है।
यानी कि चार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनेंगे, जनवरी टू मार्च का मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, जनवरी टू मार्च का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, फिर अप्रैल से लेकर जून तक का मार्जिनल कॉस्टिंग का, और फिर अप्रैल से जून तक का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो चार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पहले तो आपने बनाने हैं, फिर आपने इसकी एक रिकंसिलिएशन बनानी है। रिकंसिलिएशन क्या होती है और उसका क्या फॉर्मेट होता है वो भी मैं आप लोगों को कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले तो हम जो है ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। एक तो हम बनाएंगे जनवरी से लेकर, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक का, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम अप्रैल से लेकर जून तक का। ये दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है ना। एक जनवरी से लेकर मार्च तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एक जनवरी से लेकर मार्च तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और अप्रैल से लेकर जून तक का दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जनाब हम सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं, आपके पास फॉर्मेट भी है वरना अदरवाइज यहाँ पर आप देखते रहे। सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू लिखा करते हैं। अगर हम सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे ना, तो एक चीज में 45 की बेचता हूँ, करेक्ट, एक यूनिट में 45 का बेचता हूँ, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 45 है, और मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जनवरी से जो मार्च, जनवरी से लेकर जो मार्च वाला 3 महीने का पीरियड था उसमें आपने 60,000 यूनिट्स बेचे, 70,000 यूनिट्स बनाए थे, और साथ में लिखा हुआ है देर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st ऑफ जनवरी। इसका मतलब पहली जनवरी वाले दिन आपके पास स्टॉक कुछ भी नहीं था, जनवरी से मार्च में आपने 70,000 यूनिट्स बनाए, उन 70,000 यूनिट्स में से 60,000 यूनिट्स आपने बेच दिए, तो बाकी 10,000 यूनिट्स क्या होंगे? बाकी 10,000 यूनिट्स जो होंगे ना वो जनवरी से मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जनवरी से मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 10,000 होगा, जनवरी से मार्च तक का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 10,000 होगा। देखिए अगर आपने 70,000 चीज़ें बनाई और 60,000 चीज़ें बेची, तो 10,000 यूनिट्स, 10,000 चीजें अनसोल्ड है, 10,000 चीजें नहीं बिकी हैं, 10,000 चीजें जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। अच्छा हम सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 60,000 यूनिट्स जो है 60,000 यूनिट्स में बेच रहा हूँ और एक यूनिट में 45 का बेचता हूँ, 60,000 यूनिट्स में बेच रहा हूँ और एक यूनिट में 45 का बेचता हूँ, तो 60,000 × 45 ये बन जाता है 270,000। यानी कि आपके पास यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू आ रहा है 270,000। ये आपका सेल्स रेवेन्यू है, 60,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं और एक यूनिट आप 45 का बेच रहे हो, ये मैं जनवरी से मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। याद रहे मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास है ही नहीं, सवाल में क्लियरली मेंशन था कि कंपनी के पास 1st जनवरी वाले दिन कोई भी स्टॉक नहीं है, तो वो तो जीरो हो गया। इसके बाद आ जाती है प्रोडक्शन की वैल्यू, इसके बाद आ जाती है प्रोडक्शन की वैल्यू। मैंने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करी है? मैंने प्रोडक्शन जो करी है ना वो 70,000 यूनिट्स की करी है, मैंने प्रोडक्शन जो है ना वो 70,000 यूनिट्स की करी है, मैंने 70,000 यूनिट्स बनाए हैं, 70,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं, 70,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करने जा रहा हूं, हम इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि भाई इन्वेंट्री के एक यूनिट की क्या वैल्यू होगी, तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है ना, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है या इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा, या इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सारी की सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती हैं, वेरिएबल, वेरिएबल फिक्स्ड नहीं, और सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट नहीं, ऐसी कॉस्ट जो वेरिएबल हो, यूनिट्स के साथ चेंज हो, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से, यूनिट को बनाने से लिंक्ड हो, वो कॉस्ट इस इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, सिर्फ और सिर्फ। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सच एज फैक्ट्री का रेंट इस यूनिट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को आप इंक्लूड करते हो और इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो।
यानी कि अब मैं अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। डायरेक्ट वेजेस की बात करूं तो वो वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी है। डायरेक्ट वेजेस की अगर बात करूं तो वो वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करूं तो वो वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब हो गया प्रोडक्शन से लिंक्ड है, मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड है और वेरिएबल इन इटसेल्फ नाम लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट सर ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो ये यूनिट्स का पार्ट नहीं बनेगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्वेंट्री यूनिट्स की कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाता है बस। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट तो नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट है ऑलरेडी। इसके बाद एडमिन की कॉस्ट दी हुई थी सर, एडमिन की कॉस्ट भी नॉन प्रोडक्शन की, वो तो प्रोडक्शन की है ही नहीं, वो तो यूनिट्स बनाने से पटेन करती ही नहीं है। तो जनाब आपने यहाँ पर जब इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा ना, तो एक यूनिट की जब मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 10 रुपये मटीरियल के आएंगे, उसमें 4 रुपये जो है वो वेजेस के आएंगे और उसमें 2.5 रुपये जो है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के आएंगे। इस तरह से ये टोटल 16.5 रुपये बनेंगे, ये टोटल 16.5 रुपये बनेंगे, ये टोटल 16.5 रुपये बनेंगे। इसमें 10 रुपये डायरेक्ट मटेरियल के होंगे, 4 रुपये डायरेक्ट वेजेस के होंगे और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के 2.5 रुपये होंगे। तो 10, 4 और 2.5, 16.5 रुपये। क्या क्या इंक्लूड किया इसमें? मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बस। तो 70,000 यूनिट्स है और एक यूनिट जो है वो अगर 16.5 का पड़ता है, 70,000 यूनिट्स है और एक यूनिट जो है वो अगर 16.5 का पड़ता है, तो इन 70,000 यूनिट्स की टोटल जो वैल्यू आ रही है 11,155,000, 11,155,000, 11,155,000 की वैल्यू आ रही है, 11,155,000 की वैल्यू आ रही है। 70,000 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर करे, एक यूनिट 16.5 का है, 16.5 में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल है, दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्लोजिंग स्टॉक पर, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्लोजिंग स्टॉक पर। अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो देखें 70,000 में से 60,000 यूनिट्स बेच दिए, 70,000 में से 60,000 यूनिट्स बेच दिए, 70,000 में से अगर 60,000 यूनिट्स बेच दिए तो पीछे बच कितने गए सर? बच गए 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स बच गए और एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट 16.5 का। तो अगर आपके पास 10,000 यूनिट्स बच गए, 10,000 यूनिट्स बच गए और एक यूनिट 16.5 का है, तो ये 16,500 बनता है, 16,500 बनता है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 11,55,000 में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो 99,000,000 बनता है, 99,000,000, ये अमाउंट जो हमारे पास, ये अमाउंट जो हमारे पास बनता है ना, ये आपके पास है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। 11,55,000 में से 16,500 को माइनस किया, जब उसको माइनस किया तो 99,000,000 मेरे पास जो अमाउंट बच गया ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। यानी कि ये सारी की सारी वेरिएबल भी हैं और प्रोडक्शन से भी पर्टेन करती हैं, क्योंकि ऊपर वाली किसी भी वैल्यू में मैंने फिक्स कोई कॉस्ट शामिल नहीं करी थी, किसी किस्म की कोई फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं करी थी, और फिक्स कॉस्ट तो शामिल नहीं करी थी, साथ में मैंने जो है वो कोई प्रोडक्शन के अलावा नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट भी शामिल नहीं करी थी। अच्छा, ये जो 99,000,000 आ रहा है ना, ये 60,000 यूनिट्स की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये 60,000 यूनिट्स की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। यानी कि अगर आप 60,000 को 16.5 से मल्टीप्लाई करते तो भी यही आता, यानी कि जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी ये कॉस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ जी, इसके अलावा एक और वेरिएबल कॉस्ट है और वो है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? देखिए सवाल के डेटा के हिसाब से 1.5 रुपीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट है। सवाल के डेटा के हिसाब से 1.5 की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमारे पास जो हमारे कंट्रीब्यूशन से पहले आनी चाहिए, क्योंकि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। ये कैसे कैलकुलेट होगी? आपने 60,000 यूनिट्स बेचे हैं, आपने 60,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट की 1.5 की अगर कॉस्ट है, तो आप 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ये आता है 90,000। सर आपने ये यूनिट सोल्ड से क्यों मल्टीप्लाई किया?
आपने इसको यूनिट्स रिड्यूस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? देखिए, जितनी भी हमारी सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट होती है वो यूनिट सोल्ड के साथ लिंक्ड होती है। मिसाल के तौर पर ये सेल्स कमीशन हो सकता है, तो अगर कोई बंदा चीज़ें बेचेगा तो उसको कमीशन दूंगा राधे देंगे वो बनाएगा तो हमारी अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। मैं 90,000 में 9,000,000 को ऐड करता हूँ, 9,000,000 और 90,000, ठीक है जी। इसको ऐड किया तो 1,080,000, 1,080,000, 1,080,000, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी, मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो हो जाएगी 2,700,000 माइनस आंसर, यानी कि 1,620,000, 1,620,000, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी। मैंने अपने सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू में से अपनी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट थी ना वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। अच्छा जी, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे अपनी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट। अब हम माइनस कर देंगे इसमें से अपनी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट को देखते हैं, तो हमारे पास एक प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4 लाख रुपए, और लिखा हुआ है पर एनम 4 लाख रुपए पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल की 4 लाख, लेकिन मैं तो 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, तो तीन तीन महीने साल में 4 बार आते हैं, यानी कि मैं एक क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, और ये जो मुझे 4 लाख रुपए दिया हुआ है ये पूरे साल का दिया हुआ है। तो अगर ये पूरे साल का दिया हुआ है तो एक क्वार्टर का या 3 महीनों का 1 लाख हुआ, तो आपके पास प्रोडक्शन की, जो आपके पास प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपए। आपके पास प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1 लाख रुपए। इसके बाद आपके पास फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट है, अगेन वो 80,000 रुपये पूरे साल की है, अगेन वो 80,000 रुपये पूरे साल की है। तो 80,000 रुपये अगर पूरे साल की है तो एक 3 महीने के पीरियड की 20,000 हुई, 20,000 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एडमिन की कॉस्ट, 1,20,000 है पूरे साल की है, 1,20,000 पूरे साल की है, तो एक क्वार्टर की 30,000 हुई। हम यहाँ पर एडमिन कॉस्ट भी लिख देते हैं, वो 30,000 है। अब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 1,20,000 और 30,000, ये बन जाता है आपका 150,000। 150,000 की आपकी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट बन जाती हैं, और आपका फाइनली 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 पहले क्वार्टर का प्रॉफिट आ जाएगा, और वो होगा 1,620,000 माइनस 150,000, 1,620,000 माइनस 150,000, और ये आपके पास बच जाएगा 1,470,000। तो देखिए, इस बात को आप समझें कि हमने सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, जो अमाउंट आया वो कंट्रीब्यूशन, फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो जो अमाउंट आया वो प्रॉफिट। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो हमने प्रोडक्शन और सेलिंग दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, जब हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो भी हमने प्रोडक्शन सेलिंग सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करी, और हमारे पास फाइनली फाइनली हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम जो है वो अगले 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब अगले 3 महीने में आपने कितने यूनिट्स बेचे? अगले 3 महीने में आपने 90,000 यूनिट्स बेचे, अगले 3 महीने में आपने 90,000 यूनिट्स बेचे, अगले 3 महीने में आपने 90,000 यूनिट्स बेचे। अगले 3 महीने में अगर मैंने 90,000 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट में अगर 45 रुपये का ही बेचता हूँ, तो मैंने अगले 3 महीने में जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी वैल्यू होगी 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 45। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये पीडीएफ हमें मिलेगी या नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। आपने इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है और आपने पीडीएफ ले लेनी है। अच्छा, आप 90,000 यूनिट्स जो है, 90,000 यूनिट जो है वो 45 के हिसाब से 4,050,000 के बनते हैं, 4,050,000 के बनते हैं, 4,050,000 के बनते हैं। ये सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का, पिछली बार का जो क्लोजिंग है, वो इस बार का ओपनिंग होगा, पिछले साल, पिछले 3 महीनों में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के 10,000 यूनिट्स थे और एक यूनिट की 16.5 वैल्यू थी। ये रहे 165,000। ये जो 165,000 है ये इस बार का ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि जब ये 3 महीने स्टार्ट हुए तो मेरे पास 10,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, एक यूनिट की वैल्यू 16.5 थी, यानी कि ये टोटल 165,000 का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब आपने 1 लाख यूनिट्स और बनाए, 1 लाख यूनिट्स आपने और प्रोड्यूस करे, 1 लाख यूनिट्स आपने और बनाए, जब आपने 1 लाख यूनिट्स और बनाए तो आप वहां पर इसकी 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट लिखोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में 1 यूनिट की कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करना है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1,650 रुपये, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 1 लाख यूनिट्स की अब हम प्रोडक्शन की अगर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,650 से। 1 लाख को आप 1,650 से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1,650, ये बन जाता है आपका 1,650,000, 1,650,000। उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। जनाब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? देखिए अप्रैल टू जून की बात करें, अप्रैल टू जून की बात करें, अप्रैल टू जून का ओपनिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट्स, यानी कि पिछले 3 महीने में जो 10,000 यूनिट्स बच गए थे वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गए। इस साल में शुरू में, इस साल के शुरू में, इस साल के शुरू में हमारे पास 10,000 चीज़ें। उसके बाद हमने मजीद जो है वो प्रोडक्शन करी, हमने 1 लाख यूनिट्स की मजीद प्रोडक्शन करी। जब हमने 1 लाख यूनिट्स की मजीद प्रोडक्शन करी तो 1,10,000 यूनिट्स हो गए। भाई आपके पास 10,000 चीज़ें पड़ी हुई थी, 10,000 चीज़ें पड़ी हुई थी, 10,000 चीज़ें मौजूद थी, आपने 1 लाख चीज़ें और बना ली, तो अब आपके पास 1,10,000 चीज़ें हो गई। उन 1,10,000 चीज़ों में से, उन 1,10,000 चीज़ों में से आपने 90,000 चीज़ें बेच दी, उन 1,10,000 चीज़ों में से आपने 90,000 चीज़ें बेच दी। जब आपने 1,10,000 चीज़ों में से 90,000 चीज़ें बेच दी, जब आपने 1,10,000 में से 90,000 चीज़ें बेच दी, तो अब आपके पास 20,000 चीज़ें बच गई। अब आपके पास 20,000 चीज़ें बच गई, 20,000 यूनिट्स बच गए। तो यह आपके 20,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। और अगर 20,000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक में और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1,650 है, 1 यूनिट की अगर वैल्यू जो है वो 1,650 है, तो 20,000 यूनिट्स की टोटल वैल्यू 1,650 के हिसाब से आ रही होगी 330,000, 330,000, 330,000, 330,000, 330,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो 165,000 प्लस 1,650,000 माइनस 330,000, आपके पास जनाब ये बच जाता है 1,485,000, यानी कि आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 1,485,000, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक से 1,485,000 आ गया। दूसरा तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था कि आपने 90,000 यूनिट्स बेचे ना, तो आप 90,000 को 1,650 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये था कि आपने 90,000 यूनिट्स बेचे, 1 यूनिट 1,650 का है, तो 90,000 को 1,650 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपके पास 1,485,000 वाला ही अमाउंट आता। इसके बाद आ जाती है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? देखिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होगी कि आपने अप्रैल से जून में 90,000 यूनिट्स बेचे हैं और 1 यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है ना वो 1.5 है। 1 यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.5 है। सो 90,000 यूनिट्स की, 90,000 यूनिट्स की 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये टोटल अमाउंट आती है 135,000। 135,000 की आपकी जो है वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ रही है। इसमें 1,485,000 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट जो हमारे पास बन रही है वो है 1,620,000, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू 4,050,000 में से आंसर माइनस किया 2,430,000, 2,430,000, ठीक है जी। इसमें से हमने सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट वही प्रोडक्शन की पूरे साल की 4 लाख थी तो एक क्वार्टर की 1 लाख हुई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पूरे साल की 80,000 थी तो एक क्वार्टर की 20,000 हुई, और एडमिन की जो है वो पूरे साल की 1,20,000 थी तो एक क्वार्टर की 30,000 हुई। यानी कि वही वैल्यूज़ हैं 1 लाख, वही वैल्यूज़ हैं 1 लाख, वही वैल्यूज़ हैं 20,000, और वही वैल्यूज़ हैं 30,000, और हमने सबको ऐड किया तो ये 1,50,000 रुपये बन गया। जब ये 1,50,000 रुपये बन गया तो हमने जो है वो 2,430,000 में से 150,000 को माइनस किया, हमारे पास 2,280,000 का आंसर आ जाता है। ये हमारे पास फाइनल प्रॉफिट की वैल्यू है। ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अभी अप्लाई किया है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग क्वेश्चन का सारा डेटा अपने पास कॉपी कर लें, ताकि मैं जब स्क्रॉल डाउन कर कर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपने मुझे 0345308632 पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपने ये पीडीएफ मुझसे जो है वो ऑप्टेन कर लेनी है।
मैंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग किया। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है कि सेल्स रेवेन्यू में से पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो और फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करो। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग जनवरी से मार्च तक का भी किया, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अप्रैल से जून तक का भी किया, और दोनों में मैंने आपको जो है वो कैलकुलेशंस करके बता दी कि हमारे पास जो है वो हमने किस तरह से कौन सी चीज कैलकुलेट करी। आप वीडियो को आराम से पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड कर कर और सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर, यानी कि दूसरी तरह के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, दूसरी तरह का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर आ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर जब हम आते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट होता है सेल्स रेवेन्यू से। अगेन सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट होगा, फॉर्मेट आप कॉपी कर चुके हैं। आपने जनवरी से दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है जनवरी से लेकर मार्च तक का और एक आपने बनाना है अप्रैल से लेकर जून तक का। तो पहले जनवरी से लेकर मार्च तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगेन आपने 60,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट जो है वो आप 45 का बेच रहे हो, ये सेलिंग प्राइस भी सवाल में मेंशन है, यूनिट सोल्ड भी सवाल में मेंशन है। तो सेलिंग प्राइस 45 इंटू यूनिट सोल्ड 60,000, वही 270,000, 270,000, यानी कि ये आपके पास अगेन 2.7 मिलियन आएगा। सेल्स रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर जो पहली हेडिंग देंगे ना वो लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम पहली जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग में पहली हेडिंग होती थी लेस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर आते थे, फिर सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट पर आते थे। लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी पहली हेडिंग होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक में आप प्रोडक्शन जो है उसको ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को करोगे माइनस। ये मूवमेंट जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम आगे की चीजें देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अंडर ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट आने वाला है जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अच्छा जनाब, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो सर बड़ा आसान है, कंपनी का पहला साल है और 1 जनवरी वाले दिन कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन पर। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन पर। सर पहले 3 महीने में कंपनी ने 70,000 यूनिट्स बनाए हैं, 70,000 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अब जरा इस चीज को समझिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, सुने जरा गौर से, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं, उसमें हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं। यानी कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में 10, 4 और 2.5, 16.5 बोला है, एक इन्वेंट्री का यूनिट मुझे 16.5 का पड़ता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चीजें डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम इन्वेंट्री के एक यूनिट की कॉस्ट मालूम करेंगे तो उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को भी शामिल करेंगे और जितनी भी फिक्स प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी उसको भी शामिल करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चीजें डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करेंगे ही करेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में करते थे, लेकिन साथ में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी शामिल कर रहे होंगे। तो जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करोगे, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करोगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपके पास ये दो अमाउंट शामिल होंगे। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करोगे तो उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की भी शामिल होगी, जो कि 16.5। 16.5 कैसे? 16.5 ऐसे है कि 10 रुपये मटीरियल के, 4 रुपये वेजेस के और 2.5 रुपये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के, और साथ में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होगी। अब ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे शामिल करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, आपके पास जो है ना वो प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट की हेडिंग के नीचे आपको बताया हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब आप जरा ओवरहेड्स के चैप्टर पर आए। आपके पास दो तरह के प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते थे। नंबर वन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, नंबर वन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, नंबर वन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या मतलब था? जो मैंने सोचा था जितने ओवरहेड्स होंगे। नंबर टू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वाकई में क्या खर्चा हुआ, वाकई में क्या खर्चा हुआ? अगर किसी सवाल में बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स अलग अलग ना दिए हुए हो, अगर किसी सवाल में बजटेड ओवरहेड्स और फिक्स्ड एक्चुअल ओवरहेड्स अलग अलग ना दिए हुए हो, तो आपकी अजम्पशन होती है, आपकी अजम्पशन होती है कि जितना बजटेड ओवरहेड्स है उतना ही आपका एक्चुअल ओवरहेड है।
अब यहाँ पर आपके पास जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए वो 4 लाख दिए हुए पूरे साल के, तो एक क्वार्टर के 1 लाख हुए, यही आपके बजटेड भी होंगे एंड यही आपके एक्चुअल ओवरहेड्स भी होंगे, यही आपके बजटेड ओवरहेड्स भी होंगे, यही आपके एक्चुअल ओवरहेड्स भी होंगे, यही आपके बजटेड ओवरहेड्स भी होंगे और यही आपके एक्चुअल ओवरहेड्स भी होंगे। ये अजम्पशन है। जब आपके पास बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स अलग अलग ना दिए हुए तो आप एज्यूम करते हो कि बजटेड और एक्चुअल एक दूसरे के बराबर है, लेकिन सवाल में अलग अलग दिए हुए भी हो सकते हैं। अब पहले तो मैं इसका कुछ यहाँ पर डेटा लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वार्टर के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, एक क्वार्टर के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 1 लाख रुपए हैं, एक क्वार्टर के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 1 लाख रुपए हैं, और एक क्वार्टर के जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, एक क्वार्टर के जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो भी 1 लाख रुपए हैं, वो भी 1 लाख रुपए हैं। क्यों 1 लाख रुपए हैं? क्योंकि एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी हुई, बजटेड की इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी हुई है। तो जब बजटेड और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी हुई होती है तो हमारी अजम्पशन होती है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद आ जाओ बजटेड प्रोडक्शन, उसके बाद आ जाओ बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा जी, बजटेड प्रोडक्शन क्या सवाल में दी हुई है? बजटेड प्रोडक्शन क्या सवाल में दी हुई है? तो अगर मैं सवाल की बात करता हूँ, तो आपके पास नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल कोई चीज़ दी हुई है, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल। अच्छा, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल और बजटेड प्रोडक्शन लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल और बजटेड प्रोडक्शन लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस मैं बाद में समझाऊंगा। फिल वक्त आप ये समझ लें, कि मोर और लेस सेम ही होता है। तो फिल वक्त आप ये समझ लें कि नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल और बजटेड प्रोडक्शन लेवल सेम है। यानी कि आपको बजटेड प्रोडक्शन पूरे साल की 3,20,000 दी हुई है, तो 4 से डिवाइड करो, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हैं तो एक क्वार्टर की आपको 80,000 दी हुई है। यानी कि आपके बजटेड यूनिट्स जो है ना, फॉर टाइमिंग प्रोडक्शन लेवल, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल, बजटेड प्रोडक्शन लेवल, फॉर टाइमिंग एज्यूम कर लो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं होता है। नॉर्मल और बजटेड में थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आपके पास बजटेड यूनिट्स या बजटेड प्रोडक्शन नहीं दी हुई हो तो आप ओएआर कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल को यूज कर सकते हो। तो एक क्वार्टर का 80,000 हुआ, यानी कि आपको बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन भी दी हुई है 80,000, और आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी हुई है, और आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी हुई है या एक्चुअल यूनिट्स भी दिए हुए हैं वो है 70,000, वो है 70,000। लेकिन अब पहले 3 महीनों में आपने 70,000 यूनिट्स बनाए, जनवरी टू मार्च, ये लिखा हुआ था। अब आप ओएआर कैसे कैलकुलेट करते हो? सर वो 3 स्टेप्स अगर हम फॉलो कर लें, बिल्कुल। स्टेप नंबर वन ओएआर कैलकुलेट करना, ओवरहेड्स के चैप्टर पर वापस आओ। स्टेप नंबर वन ओएआर कैलकुलेट करना। ओएआर कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स। स्टेप नंबर वन ओएआर कैलकुलेट करना। ओएआर कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स। तो बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? बजटेड ओवरहेड्स हैं 1 लाख रुपए, और बजटेड यूनिट्स कितने हैं? बजटेड यूनिट्स हैं 80,000। तो आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ गया? आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ गया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 यानी कि 1.25 आ गया। आपका जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है ना, वो 1.25 आ गया। आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट 1.25 आ गया। उसके बाद आप एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते थे, एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? वो 1.25 है। और एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? पहले क्वार्टर में मैंने 70,000 यूनिट्स एक्चुअली बनाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो एब्जॉर्ब होगा वो 70,000, 70,000 × 1.25, 70,000 × 1.25 यानी कि 87,500 होगा, 87,500 होगा। इसके बाद आप कंपेयर करते थे आप अपने एक्चुअल खर्चे कितने हैं? 1 लाख। उसको आप कंपेयर करते थे अपने एब्जॉर्ब खर्चों से, उसको कंपेयर करते थे एब्जॉर्ब से, एब्जॉर्ब कितना है? 87,500। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12,500 रुपये का, 12,500 रुपये का अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है, 12,500 रुपये का अंडर एब्जॉर्ब है या अंडर अप्लाइड है। इसको हम अंडर एब्जॉर्ब भी कहते हैं, इसको हम अंडर अप्लाइड भी कहते हैं। 12,500 रुपये का अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है, 12,500 रुपये का अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है। आपने ये चीज़ें जो अभी मैंने करी, ये ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ी थी। कमिंग बैक टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रोडक्शन के यूनिट्स की वैल्यू ढूंढनी थी। प्रोडक्शन के यूनिट्स की वैल्यू में मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होती है बेस्ड ऑन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो आपने 1 लाख रुपए के आपके जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे,
उसको 80,000 यूनिट्स में बांटा है, यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स से, और वो 1.25 आया है, यानी कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट होगी इसमें 1.25 भी शामिल होगा। ये 1.25 जो है वो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से आया है, और ये 1.25 जो है वो आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये 16.5 प्लस 1.25, ये टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 17.75। ये टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 17.75। ये टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 17.75 एक यूनिट की वैल्यू। इसमें 16.5 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं और 1.25 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, तो ये बन जाता है 17.75। अब आप 70,000 को 17.75 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 70,000 को 17.75 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 70,000 को मैं 17.75 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1,242,500 आता है, 1,242,500 आता है। और फिर जब क्लोजिंग स्टॉक की बात होगी तो 10,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की वैल्यू अगर 17.75 है, अगर 10,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की वैल्यू 17.75 है, तो ये 1,777,500 आता है, 1,777,500 आता है। तो 1,242,500 माइनस 1,777,500, ये बच जाता है 1,065,000, 1,065,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास 1,065,000 आ गया। अब जनाब अगर कोई अंडर या ओवर अप्लाइड हो ना, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस जगह पर एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट कैसे करते हैं, हमने अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड के बारे में क्या पढ़ा था, हमने अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड के बारे में ये पढ़ा था कि खर्चा 1 लाख था, इन्वेंट्री की कॉस्ट में 87,500 इंक्लूड हुआ है, तो 12,500 इंक्लूड होने से रह गया। और इसकी हमने डबल एंट्री पढ़ी थी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और 12,500 का यहाँ पर अमाउंट है, तो 12,500 का हमें एक्सपेंस 12,500 का हमें एक्सपेंस दिखाना है। एक्सपेंस कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पर अंडर अप्लाइड लिख देंगे या अंडर एब्जॉर्ब कह लो, एक ही बात है, और हम यहाँ पर 1,065,000 के खर्चों में 12,500 मजीद ऐड कर देंगे, 1,065,000 के खर्चों में 12,500 मजीद ऐड कर देंगे। जब हम मजीद ऐड कर देंगे ना, तो ये 1,065,000 प्लस 12,500, ये बन जाएगा आपका 1,077,500, 1,077,500 बन जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 2,700,000 माइनस 1,077,500, यानी कि 1,622,500, 1,622,500। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, सारे माइनस कर दोगे। तो अगर हम ऊपर वापस से आते हैं, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऊपर हमने कंसिडर कर लिया, सेलिंग एंड एडमिन का वेरिएबल था 1.5 पर यूनिट, सेलिंग एंड एडमिन का 1.5 वेरिएबल, सेलिंग की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी आपकी 60,000 यूनिट्स आपने बेचे हैं, और 1.5 अगर एक यूनिट का लगाते हैं तो 90,000 रुपये ये बन गए। उसके बाद आपके पास और क्या है भाई, और आपके पास जो है वो 80,000 के पूरे साल के फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट थी, तो 20,000 रुपये एक क्वार्टर की बनी, तो फिक्स्ड सेलिंग जो है, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट जो है वो बन गई 20,000, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट जो है ना वो बन गई 20,000, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट जो है वो 1,20,000 जो है वो पूरे साल की है, तो एक क्वार्टर की 30,000 बनी, यानी कि आपके पास जो फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है वो भी 30,000 है, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट है ना वो भी 30,000 है। तो आपने क्या किया, 90,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 90,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 ऐड किया, 1,40,000 रुपये बना, 1,40,000 रुपये आपने किया माइनस, तो आप 1,622,500 में से 1,40,000 माइनस करोगे तो 1,482,500 का प्रॉफिट बन रहा है। ये याद रहे कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को करने का तरीका अलग है। हमने जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को शामिल किया, और फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सारे सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे माइनस किए, चाहे वो फिक्स थे चाहे वो वेरिएबल थे, ठीक है जी। तो
तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम अप्रैल से जून की बात करते हैं। अप्रैल से जून का सेल्स रेवेन्यू सेम होगा, आपने 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, 90,000 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट आप 45 रुपये का बेचते हो, तो आप 90,000 × 45 कर लो। 90,000 × 45, 90,000 × 45, तो 90,000 × 45 अगर हम करते हैं ना, तो 4050000 बनता है, 4050000 बनता है। फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा जो पिछली बार का क्लोजिंग है, इस बार का ओपनिंग होगा 1775000। फिर आपने प्रोडक्शन करी है, इस बार आपने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है? सर 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है। अगर आपने 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है इस बार, तो 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 17.75 मल्टीप्लाइड बाई 17.75, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 17.75 ये बन जाता है 1775000, 1775000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, अगेन वही प्रिंसिपल के 10,000 यूनिट्स पड़े हुए थे, 1 लाख और बनाए, 1 10 हो गए, 1 10 में से 90,000 बेच दिए तो 20,000 बच गए। अब जो 20,000 यूनिट्स बच गए, जो 20,000 यूनिट्स आपके पास बच गए, उसको आपने 17.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 17.75 ये बन जाता है आपका 355000, 355000। ठीक है जी, तो 1775000 प्लस 1775000 माइनस 355000, तो ये आपके पास नेट रह जाता है 1597500। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अंडर ओवर अप्लाइड होगा, यहाँ पर भी अंडर ओवर अप्लाइड होगा, प्रोसीजर सेम होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अच्छा, स्टेप नंबर 1 अगर सेकेंड ईयर करते हैं तो ओएआर वही है, बजटेड ओवरहेड्स भी वही हैं, बजटेड यूनिट्स भी वही हैं, तो आपके पास ओएआर जो है ना वो 1.25 ही आएगा, ओएआर जो है वो 1.25 ही आएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि आप एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करो, स्टेप नंबर 2 है कि आप एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करो। एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट होता है? ओएआर को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ओएआर को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल यूनिट्स 1 लाख हैं, तो आपने 1.25 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 125,000, आपका एब्जॉर्ब आ गया 125,000। स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है कि आप एक्चुअल को और एब्जॉर्ब को कंपेयर करो। ठीक है जी, एक्चुअल आपका कितना है? सर एक्चुअल जो है वो 1 लाख है, एक्चुअल जो है ना वो 1 लाख है, और इस बार एब्जॉर्ब कितना है? इस बार एब्जॉर्ब कितना है? इस बार एब्जॉर्ब जो है, क्योंकि मैंने 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन करी थी, तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर वो 125,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 का क्या है इस बार? 25,000 का क्या है? सर 25,000 का ओवर एब्जॉर्ब है, 25,000 का ओवर एब्जॉर्ब है, 25,000 का ओवर एब्जॉर्ब है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करा हुआ है। तो आपको याद होगा कि ओवर एब्जॉर्ब के केस में क्या करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट 25,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 25,000 से, यानी कि 25,000 रुपये की इनकम बुक करेंगे। तो जब हम 25,000 रुपये की इनकम बुक करेंगे यहाँ पर, तो वो कॉस्ट को कम करेगी, कॉस्ट को कम करेगी। अब जरा ये समझिएगा, देखें 10 पिछले पिछले 3 महीने में 1065000 में 12,500 को ऐड किया था, कॉस्ट को बढ़ाया था क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब था, लेकिन जब ओवर एब्जॉर्ब है 25,000 रुपये का, तो आपने एब्जॉर्ब ज्यादा कर दिया। अब उसको एज ए इनकम शो करना है, एज ए इनकम शो करने के लिए खर्चों को कम कर दो। खर्चों को कैसे कम करें? 1597500 में से 25,000 कम कर दो, 1597500 में से 25,000 को माइनस कर दो, तो ये बच जाता है 1572500, 1572500, 1572500, और फिर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो होगा 4050000 माइनस आंसर, यानी कि 2477500, 2477500, 2477500। बाकी खर्चे सर कैसे आएंगे? इस बार आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, इस बार आपने 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो अगर आपने 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, अगर आपने 90,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट की जो वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट है वो 1.5 है, तो 90,000 × 1.5 ये 1,35,000 बनता है। मैं डायरेक्टली अमाउंट ही लिख देता हूँ ना, 1,35,000, 1,35,000 ऊपर भी बन रहा था ना, ठीक है बिल्कुल, तो 1,35,000 का ये वाला अमाउंट है। इसके अलावा फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट अगेन वही है 20,000, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट अगेन वही है 30,000,
और आप जब 1,35,000 प्लस इसमें कर दो 20,000 प्लस इसमें कर दो 30,000, तो ये बन जाता है 185,000, ये बन जाता है 185,000। 185,000 अगर आप माइनस करोगे 2,477,500 में से ये आंसर माइनस करोगे तो 2,292,500 का आपका प्रॉफिट आएगा, 2,292,500 का आपका प्रॉफिट आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपको बनाकर दिए, और आप इसको ज़रा पहले तो बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से देखें, फॉर्मेट्स को देखें, ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहीं भाग नहीं रही है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, वो ये है कि अगर मैंने दो क्वार्टर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, क्वार्टर नंबर वन और क्वार्टर नंबर टू का, जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट सेम नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, क्वार्टर नंबर वन का मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना था? क्वार्टर नंबर वन का मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट था 1,470,000, 1,470,000। क्वार्टर नंबर टू का मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 2,280,000, 2,280,000, ठीक है जी, 2,280,000 और 1,470,000। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्वार्टर नंबर वन का प्रॉफिट जो था वो 1,482,500 था, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्वार्टर नंबर टू का जो प्रॉफिट था वो 2,292,500 था, ठीक है जी। तो ये आपके प्रॉफिट्स आ रहे थे, मेरे ख्याल में यही आपके प्रॉफिट सही है। तो अब आपने ये चीज़ देखनी है, कि आखिर ये दोनों जो प्रॉफिट्स है ना, ये दोनों प्रॉफिट्स आखिर आपस में टैली क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दोनों प्रॉफिट्स आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप ऊपर वाला सारा काम कॉपी करें, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट्स आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉफिट्स आपस में टैली क्यों नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉफिट्स आपस में इक्वल क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1,482,500 और 1,470,000, इन दोनों में जो फ़र्क है ना वो ये है कि भाई 12,500 से, 12,500 से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट यहाँ पर भी ज़्यादा है, और यहाँ पर 2,280,000 माइनस 2,292,500, यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है 2,292,5,000 माइनस 2,280,000, यहाँ पर भी फर्क आ रहा है इन दोनों में। यहाँ पर भी 12,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने ये एनालाइज करना है, ये जज करना है कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है। बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिएगा कि मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, किस तरह से तकसीम करते हैं, ये आपने ज़रूर 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 अच्छे से देखना है। और यहाँ तक जब चीज़ें समझ जाएंगे, फिर हम इस प्रॉफिट के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्यों आता है। आप इस एक वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं, तो आपके मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 90% कॉन्सेप्ट आप आराम से कवर कर सकते हो। बट इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, और फिर अगली वीडियो में इसकी रिकन्सिलिएशन यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।